हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई हेल्थ YouTube चैनल इन दिस वीडियो आई विल गिव यू अ क्विक रिव्यू अबाउट बेस्ट यूजफुल फ्रूट्स डूरिंग कोविड इसमें जो हमारा पहले नंबर पे मैंने फ्रूट रखा है वो है पोमग्रेनेट अनार अनार पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ तो अब मैं इसका फाद और बताने लगा कि ये कोविड में बेस्ट फ्रूट है इसको मैंने टॉप पे रखा हुआ है कि इससे अच्छा फ्रूट कोविड के पेशेंट कोरोना कुरोन, पेशेंट के लिए नहीं हो सकता असल में करता क्या है ये एंटी बैक्टीरियल है एंटी वायरल है और ये इम्यूनिटी को स्टैंड देता है ये तीनों काम एट ए टाइम कार होता है सुर्ख अनार सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है इवन के अगर कोविड पेशेंट ने एंटीबायोटिक्स ले ली है उसका पेट ख़राब हो रहा है उसको कोई मसला आ रहा हो एंटीबायोटिक की वजह से तो अनार जो है उसको भी एंटीडोट करता है दूसरे नंबर पे अनार जो कोविड पेशेंट तो होता है उसको वीकनेस जोड़ती है कोविड के पेशेंट को बेानतहा दर्जे की वीकनेस पाई जाती है अगर आप आपको ना किसी कोविड पेशेंट को जो रिकवर हुआ हो वो एक दो महीने तक वो कमज़ोरी का ही गिरा शिकुआ करता रहता है कि भाई मेरी वीकनेस नहीं जा रही तो इसलिए जो कोविड में हूँ या कोविड से रिकवर हो चुके हों लेकिन वीकनेस फील कर रही हो तो वो लाजमी अनार का इस्तेमाल करें अनार मीठा होना चाहिए तुरश अनार इस्तेमाल नहीं करना वो आपको जय फायदा करने के नुकसान करेगा वो रेशा बलगम पैदा करेगा लंग में कंजेशन पैदा करेगा इसलिए मीठा अनार ही इस्तेमाल करना है दूसरे नंबर पे सिट्रस फ्रूट्स सिट्रस में आ जाता है हमारा लीम और इस तरह के फ्रूट्स मौसमी चकोतरा लेकिन इसमें सिट्रस में भी ये चीज़ रखने कि आपने तुरश खट्टे नहीं इस्तेमाल करने जो मीठा हो लीमू भी वो लोग इस्तेमाल करें लीमू होता ही खट्टा है जिनको खट्टा कोई मसला नहीं करता वरना जिनको लोगों को खट्टा रास नहीं है जिनको खट्टा खाने से बलगम या रेशा होता है वो बिल्कुल सिट्रस फ्रूट इस्तेमाल मत करें हाँ जो मीठा होता है मौसमी हो गया किन्नू हो गया मीठे वो रेशा बलगम पैदा नहीं करते आप इस्तेमाल कर सकते लेकिन उसमें भी एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने स्टोर हुआ वो यूज़ नहीं करना है। बस जो सीजनल हो सीज़न में मिल रहा हो ताज़ा हो वो इस्तेमाल करना है इसमें वाइटाम सी बहुत ज़्यादा होता है ये इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है एंटी बैक्टी ये भी एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल होता है इम्यूनिटी को इनहेंस करता है इस लिहाज से ये सिट्रस फ्रूट जो है ना वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं आपका हाजमा दुरुस्त रखते हैं तीसरे नंबर मैंने रखा ग्रेप्स को ग्रेप्स भी ज़बरदस्त किस्म के एंटी हैं इनके जो बीज हैं अगर ग्रेप्स आपने खाने हैं आपने कोशिश करनी उसके जो बीज होते हैं अक्सर कुछ होते हैं सीडलेस होते हैं कुछ होते हैं सीड्स वाले आपने अगर सीड वाले तो आपने उसके सीड भी चबा के खा जानी है क्योंकि तो उनके जो ग्रेप्स के सीड होते हैं उसमें खास ऑयल पाया जाता है कि जो इवन के कैंसर पेशेंट्स तक को बहुत फ़ायदा देता है जिसमें कहने के जो आपकी जो टी सेल की उसकी कारकर्दगी बढ़ाता है तो इसलिए आपकी जो इम्यूनिटी है उस पर डिपेंड कर रही होती है तो अगर आप ग्रेप्स खाएंगे ग्रेप्स का भी यही है कि मैं आपको जितने फ्रूट्स बता रहा हूँ अपने मीठे इस्तेमाल करें चुट्स नहीं इस्तेमाल करें ग्रेप्स खट्टे भी आते हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने वो भी बजाय फायदा के नुकसान करेंगे रेशा बलगम पैदा करेंगे कम्पलेक्सीटी पैदा करेंगे इसलिए आप मीठे ग्रेप्स खाएँ ये भी कह लें कि जैसे अनार है सेम ग्रेप्स भी इंस्टेंट अनर्जी देते हैं कोविड पेशेंट वीकनेस फील कर रहा है या रिकवरी के बाद भी फिटनेस फील करता है तो ग्रेप्स खाए उसको फ़ौरन फ़ौरन कह लें कि जब जो खाता जाएगा उसको एनर्जी मिलती जाती है तो वो एक जो कह लें अडल्ट पेशेंट है वो दिन में आधा किलो सौ एक किलो ग्रेप्स खा सकता है कोई मसला नहीं है चौथे लास्ट नंबर पर मैंने रखा है गावा अमरूद को अमरूद भी कह लें कि एक तरह से बलगम काश है कि ये जिसमें बलगम फासद मादे पैदा नहीं होने देता डिटॉक्स करता है मैदे में आपके लार्ज इंटस्टाइन में जो कीड़े जर्म्स या बैक्टीरिया किसी भी तरह के क्योंकि जब कोविड का हमला होता है तो ओवरऑल इम्यूनिटी आपकी जो डिग्रेड हो जाती है लो हो जाती है कमज़ोर हो जाती है तो जिसमें कह लें कि वो जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं आपके इंटस्टाइन में फ्लोरा में वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं गावा क्या करता है गावा उनको एक्सपेल आउट करता है बॉडी से इसके अलावा ये हड्डियों को मजबूत रखता है आपको रेशे बलगम से बचाता है तो गावा खाएं गावा भी आपने कच्चा नहीं खाना पक्का हुआ खाना है और मौसमी खाना है बेमौसमी नहीं खाना उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स को बताएं और अगली वीडियो का इंतज़ार करें ताकि मैं आपको मज़ीद मालूम दूँ सॉरी वीडियो ख़त्म करने से पहले एक आपको एक और बात बता दूँ कौन से फ्रूट्स आपने नहीं खाने कोविड में तो जो अनसीज़न फ्रूट्स हैं उनको अवॉइड करें पोटेशियम रिच फ्रूट्स हैं जैसे केला हो गया डेट्स हो गई इनको अवॉइड करें खासकर जो लोग ऑलरेडी किसी न किसी तरह से किडनी पेशेंट्स हैं वो पोटेशियम रिच फ्रूट्स को लाजमन लाजमन अवॉइड करें उनमें केला एवोकाडा खजूर डेट्स वगैरह ये टॉपें हैं इनको लाजमन अवॉइड करें हाँ अगर आप किडनी वगैरह का कोई इशू नहीं है तो खजूर फ़ायदा है कोविड पेशेंट्स के लिए ठीक है दोस्तों अब तक के लिए इतना ही नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे तक तब तक अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़